ମାନେ କେତେଟା ଆଉଥିବେ ଏଇ ପୋଖରୀଟା ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି Turn toward me. Hello friends, welcome back to my channel. If you have not subscribed, please subscribe the channel and press the bell icon to get all the notifications. हम लोग boarding के time एक जगह गए थे जो कि मठाड़िया बोल के मतलब जाना जाता है भीतरकनिका के अंदर, और वो एक mangrove forest है जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा बहुत सारा जानवर, जैसे hyenas, wild boars, crocodiles. और एक जगह है जहाँ पे आप लोग माइग्रेटरी बर्ड्स देख सकते हो, और मतलब बहुत पुराना चीज़ भी है देखने के लिए, जैसे राजा जी का हॉन्टिंग टावर और एक वाच टावर जहाँ से आप लोग पूरा जंगल का व्यू का नज़ारा देख सकते हो. इस जगह को मिनी अमेजन ऑफ इंडिया बोलते हैं क्योंकि जो मडी और मतलब मडी एरिया है वहाँ पे आप लोग आपको देखने के लिए मिलेगा पाइथन, किंग कोबराज, देन क्रोकोडाइल्स बड़े से बड़े साइज का. सो मतलब जब जा रहे हैं इस जंगल ट्रेन में आपको सावधानी बरतना पड़ेगा, और जो रास्ता है वहाँ से डेविएट नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों साइड में जो भी पॉन्ड है उसमें कभी कभी लोग चले जाते हैं सेल्फी उठाने या कुछ करने, वो सब मत कीजिए क्योंकि वहाँ पे जो पॉन्ड है उसके अंदर बहुत सारा बड़े बड़े साइज का क्रोकोडाइल्स भी हैं. सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस मिस्टीरियस जंगल. मैंने ये जगह का ना कौन ना 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 इटा ये आमे जो जगह को जिबा इटा कौन कौन अच्छे जंगल ट्रैकिंग कौन कौन देखिया को मिले वास्ट टावर अच्छे मंदिर दीटा अच्छे ओ जगह का ना हला कौन मठपाड़िया अभी हाई टाइड का टाइम है तो ये जो जेटी का एरिया है डूब जाता है पानी में. देखो पानी कैसे बढ़ रहा है अभी. मैंने देखो पानी पूरा डूबी जीवो ये पूरा जेटी एरिया टा डूबी जीवो ये टा पूरा पानी एरिया टा कितना पोज़न तो कितना पोज़न तो पांटा रोहिबो पूरा रोहिबो एठी कुम्भिरो कुम्भिरो पड़े हैं संधि बोर्ड जो दिन अच्छी बात जीवे मठाड़िया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं चारों ओर मैनग्रोव फॉरेस्ट और पूरा काइंड ऑफ मडी एरिया. यहाँ पे पाइथन और किंग क्रॉबा बहुत सारे हैं, मतलब हमारा जो गाइड है ये लोग देखे हैं कि 20-25 फीट का 20-25 फीट का पाइथन देखे हैं यहाँ पे. मैंने ये कौन एनिमल देखा जाए देखी थी हरिण बारा पाइथन अटैक करते अच्छे बहुत तथा बड़ बड़ थी 17 फुट 18 फुट 20 फुट तो ये क्रोकोडाइल रो चांस अच्छी भी पोखरी मझे मझे पोखरी अच्छी पोखरी भीतर कोई ये जो राजा को वाच टावर से पखरे ये फ्लावर है एक्चुअली. अभी आपको जब मतलब फूल खिलेगा उस टाइम में आपका मतलब येलो कलर, और जब सूख जाता है राइट
वो पूरा रेड, मतलब रेड कलर हो जाता है, पिंकिश कलर हो जाता है। एटलीस्ट 1 किलोमीटर आ चुके हैं और भी 2-3 किलोमीटर हमें जाना है आगे। आगे एक वॉच टावर है, मतलब जो कनिका राजा थे यहाँ का, वो यहाँ पे आके मतलब शिकार करते थे पहले। वहाँ पे एक पॉन्ड भी है, मतलब वो पॉन्ड जो है वो एक्चुअली लोटस फ्लावर बहुत सारे हैं वहाँ पे, बट उसके पॉन्ड के अंदर जाना मतलब डेंजर है, वहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल भी हैं। ये पूरा मस्त पीच है, रेडी राइट, यू कैन प्ले क्रिकेट इजीली हियर। क्रोकोडाइल का निशान आप दे सकते हैं, इधर एक बड़ा सा क्रोकोडाइल गया है, अभी जा रहा है अभी जा रहा है छोटा देखिए कितना बड़ा है, कुछ भी बोल रहा है, इसको पकड़ते हैं। बेबी क्रोकोडाइल, मिनी क्रोकोडाइल, मीट बेबी क्रोकोडाइल सानवी। Thank you.
बर्ड आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। आई डोंट नो ये क्या है बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। आई विल आस्क द गाइड, मतलब बहुत सारे लगा है ऐसा। देख रहे हो इसके अंदर क्रोकोडाइल्स आते हैं और इसके मतलब नीचे एक छोड़ के जाते हैं, बिकॉज ये जो पेड़ है ये पेड़ एक्चुअली उसका नीचे बहुत गर्म रहता है, तो यहाँ पे क्रोकोडाइल्स एक्चुअली एक छोड़ के जाते हैं। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, आई थिंक 700-800 मीटर्स रिमेनिंग जो आज टावर है यहाँ पे। बहुत सारे मतलब क्रोकोडाइल हम लोग देखे रास्ते में, कभी कभी आप लोग यहाँ पे व्हाइट बोर्ड और जो डियर्स है उसको भी देख सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग आओ तभी मतलब वाइल्ड एनिमल्स आप लोग देख सकते हो। अभी थोड़ा मुश्किल है बट अभी एक्चुअली क्राउड ज़्यादा है, इसलिए जो लोग चिल्ला रहे हैं एक्चुअली उसके वजह से वाइल्ड एनिमल बाहर नहीं निकल रहे हैं। फाइनली हम लोग जो टेम्पल है वहाँ पहुँच गए हैं। हनुमान का टेम्पल ना वनदुर्गा, चेर केमती एमती रहला माने ओटा उपरू कहि रहू छै चेर ना मैनग्रोव एरिया रे एमती सब गछ गडा हुए माने सब रूट गुडा को सब उपरू रहू पानी जो हुआ देखिए ये जो मैनग्रोव एरिया में जो भी मतलब ट्री है राइट मोस्ट ऑफ द ट्रीज इनका रूट ऊपर रहता है क्योंकि पानी जब भर जाता है उनको मतलब मिट्टी के ऊपर आने के लिए रूट ऑटोमेटिकली ऊपर ही आता है।
मशरूम। जगन्नाथ दार बोले बोलो शिवंकर मंदिर हाँ शिवजी शिवजी का टेम्पल है ये ओम नमः शिवाय। ये बहुत ही पुराना टेम्पल है मतलब राजा जी यहाँ पे आते थे पूजा करने कनिका राजा। ओम नमः सनबी तो नुआ फ्रेंड ताको पचालु ता ना कौन पचारे हालो कर ताको लोग अभी एक पॉन्ड में जा रहे हैं। पॉन्ड के पास एक वॉच टावर भी है यहाँ पे भी कुछ क्रोकोडाइल्स हैं अंदर जाना मना है। या भीतर भी क्रोकोडाइल अच्छे हाँ देखा जाऊ ना तो अभी हम लोग एक वॉच टावर है यहाँ से पूरा जो मतलब फॉरेस्ट रेंज है यहाँ से पूरा क्लियरली दिखता है। डियर सब गले कड़े गोटे ही देखा होता अभी हम लोग जा रहे हैं वॉच टावर। यहाँ से पूरा व्यू गजब का व्यू आ रहा है। जगह सब वॉच टावर कौन कौन सब देखा जाती झिंक हाथी बादी ना हाथी हाँ दल दल एरिया हाथी आस धड़ा धड़ा बग गुड़ा बड़ बड़ी से मझे जो पा अच्छे कौन जी कुंभीर फुंभीर थी Guys, are you enjoying? Yes. It's good, but the trekking is where legs are paining a lot. Sanvi is already busy with her chocolate and she has all the things. जो चाहिए यहाँ से मिलेगा मतलब जूस चाहिए तो जूस मिलेगा
पास्ता चाहिए तो पास्ता भी है उसके पास। और क्या क्या लाई हो जानवी? चॉकलेट है और जानवी और चॉकलेट और चिप्स। वाओ नाइस। हाय बोल दो, हाय बोल दो इधर देखो, हाय बोल दो। आई थिंक मतलब 4 किलोमीटर हमको पैदल चल के आना पड़ा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पहुँचे वॉच टावर में। अभी हम लोग जा रहे हैं हंटिंग टावर के पास। यहाँ से कनिका राजा जो थे, मतलब ये हंटिंग टावर से जो भी एनिमल्स पॉन्ड के पास आते थे उनका शिकार करते थे। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे होल्स है राइट। इस होल्स में वो बंदूक रख के मतलब जो एनिमल्स आते थे वहाँ पे वो लोग उनको मारते थे उनको। ये पॉन्ड के अंदर भी जाना एक्चुअली मना है बिकॉज यहाँ पे 3-4 क्रोकोडाइल हैं, हाईली रिस्ट्रिक्टिव एरिया। चारों ओर एक्चुअली होल बनाया गया है। फिर हम लोग लौट रहे हैं बोट के ओर। सारे लोग बहुत टायर्ड हो चुके हैं बिकॉज ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के गए हैं वहाँ पे। इस पॉन्ड में हम लोग 2 क्रोकोडाइल देखे थे। अभी पानी का लेवल जो थे वो थोड़ा कम गया है, आप लोग देख सकते हो पहले बहुत था अभी थोड़ा कम गया है। ये एक्चुअली कालिया का भाई बढ़िया। ये भी किसी से कम नहीं है, आराम से 20 फीट ऊपर के होगा। ये है ब्राह्मणी रिवर। आप लोग चांदवाली के साइड से अगर आ रहे हो तो ब्राह्मणी रिवर आप लोग बोट में भी यहाँ पे आ सकते हो डायरेक्टली। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। अभी हमारा बोटिंग खत्म, हम लोग जेट्टी के पास भी पहुंच गए। अभी इसके बाद हम जाएंगे खाना खाने।